भगवा रंग की पगड़ी पहने पीएम मोदी ने खिलाया लंगर। खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। बिहार की धरती पर अनोखे अंदाज में दिखे पीएम, खुद लंगर का भी चखा स्वाद। पीएम मोदी अपने दो दिवसीय बिहार दौरे पर रविवार की शाम को पटना पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के गुरुद्वारा पटना साहिब में दर्शन करने के बाद सेवा की। पीएम मोदी इस दौरान गुरुद्वारा पटना साहिब में लंगर परोसते हुए भी नजर आए। इससे पहले पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के तहत रविवार की शाम बिहार की राजधानी पटना में एक शानदार और भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी फूलों से सजे रथ की शक्ल में बने भगवा रंग के वाहन पर खड़े होकर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि प्रबंधन कमेटी की ओर से पहले से पीएम के आगमन को लेकर विशेष तैयारी भी की गई थी। दरबार साहिब में पीएम मोदी ने मत्था टेका। गुरु घर की मर्यादा के अनुकूल प्रधानमंत्री का स्वागत यहां किया गया। वहीं पीएम के गुरुद्वारा आगमन को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी की गई थी। हाई अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन की टीम दिखी। कंगन घाट से चौक थाना होते हुए गुरुद्वारा तक बैरिकेडिंग की गई थी। बड़ी संख्या में पुलिस जवानों और पदाधिकारियों की तैनाती भी की गई थी। सरकारी व प्राइवेट भवनों की छत से सुरक्षा कर्मी पहरा देते दिखे। गौरतलब है कि पीएम मोदी के गुरुद्वारा आगमन को लेकर पटना जिला प्रशासन दो दिन पहले से मुस्तैद दिखा है। खुद जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक व SSP राजीव मिश्र पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ एक दिन पहले गुरुद्वारा पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गोपनीय बैठक की गई थी। पीएम की सुरक्षा में लगे एस्कॉर्ट गाड़ी का भी पूर्वाभ्यास देखने को मिला था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी दरबार साहिब में मत्था टेकेंगे और वहां जत्थेदार ज्ञानी बलदेव सिंह की ओर से गुरु घर का आशीष सिरोपा पीएम मोदी को दिया जाएगा। गुरु महाराज के बचपन से जुड़े अस्त्र व शस्त्र के भी दर्शन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। अहम बात तो ये है कि वैशाली संसदीय क्षेत्र के लिए वे मुजफ्फरपुर जिले के पताही में जनसभा कर रहे हैं। ऐसे में पांचवे और छठे चरण में संसदीय क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री एक साथ वैशाली और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में लोजपा व भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील करेंगे।